सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब मुल्तान की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2021 के लिए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मंसूरपुर मरकज जहानपुर जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान के तलबा बतौर उम्मीदवार मुंतखब हुए। इस हवाले से मंसूरपुर स्कूल के हेड मास्टर फिदा हुसैन सईदी और मुंतखब होने वाले बच्चों का क्या कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मंसूरपुर में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन मुकम्मल हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये काबिले तहसीन काम है कि बच्चों को स्कूल लेवल से ही इलेक्शन सिखाना और इस तरह उनकी छुपी हुई सलाहियतें सामने आएंगी, वो अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बरोकार लाते हुए स्कूल की तमाम हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए मेरे असातिज़ा कराम ने जो मिलजुल कर ये प्रोसेस मुकम्मल किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका और उम्मीद करता हूँ कि जीतने वाले जो टीम कामयाब हुई है, जो बच्चे सदर नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, वो स्कूल इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुस्बत कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह इस तरह के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टूडेंट काउंसिल का सदर मुंतखब हुआ हूँ। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। अपनी तमाम सहलातें बरूए कार लाते हुए हम इन निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लूँगा और स्कूल के तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लूँगा। तमाम असाज़ा कराम ने मेरी बेहतरीन से रहनुमाई फरमाई। इसी तरह पहली बार इलेक्शन होना हमारे लिए बहुत बड़ा आज़ाज़ है और मैं तमाम असाज़ा कराम और हुकूमत पंजाब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। मैं स्कूल काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ और मैं स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और असाज़ा का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मंसूरपुर मरकज जानपुर तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान में भी 3 नवंबर 2021 को स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन मुनक़द हुए। जनरल इलेक्शन की तरह इंतजाम किए गए। पोलिंग के दौरान वोटर्स और सपोर्टर्स बच्चों का वलवला दीदनी था। हेडमास्टर फिदा हुसैन सईदी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन कमीशन मलिक मोहम्मद बख्शलांग और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फराज राणा मोहम्मद शहद ने अदा किए। रिटर्निंग ऑफिसर कुरतुल ऐन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमशेद अब्बास, एपी ऑफिसर सादिक साहब और पोलिंग ऑफिसर आसिम साहब थे। इलावा जी इलेक्शन में सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तलबा बतौर आर्मी जवान फराज इंजाम दिए। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में राणा मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुजाहद, मोहम्मद यकूब, मोहम्मद शिराज, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद महबूब और मोहम्मद अहसन शामिल थे और इनमें से मोहम्मद यकूब सदर, मोहम्मद हसन नायब सदर, मोहम्मद जैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसके बाद एक पुरवकार तकरीब में मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया गया।